हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिन्हें ये नहीं पता कि प्लेसेंटा एक्चुअल में होता क्या है, उसका काम क्या होता है। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्लेसेंटा की पोजीशन से क्या हम जान सकते हैं गर्भ में पल रही संतान एक बेटा है या फिर एक बेटी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारी महिलाएं इस चीज पर ट्रस्ट करती है, अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है यानी कि पीछे की ओर होता है तो आपको बेबी बॉय होता है, प्लेसेंटा अगर एंटीरियर होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, वीडियो को फुल वॉच करिएगा विदाउट स्किप। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको रोजाना एक वीडियो मिलती रहती है। तो देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लांटेशन की जब प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाती है, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आप टेस्ट करते हो और रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है, यानी कि कंफर्मली है कि आप अब प्रेग्नेंट हो चुके हैं। आपके गर्भ में एक छोटी सी नन्ही सी जान पलना शुरू हो जाती है। अब जो पेट में गर्भ है, गर्भ के अंदर जो बेबी है, उसको कौन पालन करता है यानी कि उसकी कौन केयर करता है, वो प्लेसेंटा ही करता है। प्लेसेंटा का काम होता है बच्चे को सारे हेल्दी न्यूट्रिशन देना ताकि बच्चा पेट में जीवित रह सके, उसका अच्छे से विकास हो सके। तो प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से बच्चे को विकास कराने के लिए। अब प्लेसेंटा की पोजीशन को बहुत सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड जब होता है तो उसमें चेक करती है कि प्लेसेंटा की एक्चुअल में पोजीशन है क्या, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। आपके घर में भी चीज होती होगी, जैसे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में अगर प्लेसेंटा इंटीरियर है तो लड़की है, अगर पोस्टेरियर है तो लड़का है। तो मैं आपसे अपनी वीडियोज में ना आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे बेबी की क्या पोजीशन थी और मेरे प्लेसेंटा की क्या पोजीशन थी उस टाइम पे। देखिए, प्लेसेंटा एक ऐसा रोल अदा करता है ना बच्चे को कि जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती तब तक टेक केयर प्लेसेंटा ही करता है। जो गर्भ नाल होती है बच्चे की, देखिए नाभि से, देखिए ऑब्वियसली बात है गर्भ नाल अटैच है, बच्चे की जो नाभि होती है उसे गर्भ नाल पूरी अटैच होती है ना, और वो गर्भ नाल किससे अटैच होती है, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा सारे हेल्थी न्यूट्रिशन देता है, और जो प्लेसेंटा होता है उसकी जो नाल अटैच होती है आपके यूट्रस से अटैच होती है। तो जो भी आपका, देखिए खाना पीना खाते हो तो कहते हैं ना कि जो माता खाना, जो भी माँ खाना पीना खा रही है तो बच्चे को सारे हेल्दी न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसलिए बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा भी हेल्दी हो, उसकी ग्रोथ में अच्छे से कोई भी रुकावट ना आए, अच्छे से उसका विकास हो सके। तो जो भी आप हेल्दी खाना खाते हो तो वो खाना बच्चे को नहीं जाता, वो ब्लड के रूप में प्लेसेंटा बच्चे तक पहुंचाता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो भी आप, देखिए जो भी खाना खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, वो सारा कुछ प्लेसेंटा ही हेल्दी न्यूट्रिशन के रूप में बेबी को पहुंचा रहा है। तो यानी कि प्लेसेंटा क्या रोल अदा कर रहा है, बच्चे को जीवित रखना, बच्चे का विकास करना। प्लेसेंटा अगर अपना रोल अदा नहीं करता तो बच्चा जीवित कैसे रहेगा, क्योंकि उसको सारे हेल्दी न्यूट्रिशन फिर कौन देगा, क्योंकि प्लेसेंटा जो काम है, प्लेसेंटा की जो नाल है वो कहाँ अटैच है, बच्चे की गर्भ नाल से अटैच होती है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे का विकास करने का जो कि रोल है वो है प्लेसेंटा का काम। अब प्लेसेंटा की पोजीशन हर एक प्रेगनेंसी में अलग होती है, और प्लेसेंटा अगर कई बार ऐसा होता ना कि कोई रिस्की फॉर्म में होती है तो पूरी प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है। जैसे महिलाओं को देखा होगा प्रेगनेंसी में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है या पूरा डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल देता है, तो प्लेसेंटा की पोजीशन से ही बोला जाता है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले बता देती हूँ प्लेसेंटा एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। इसके लिए आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी और मेरी वीडियो भी आप यही सर्च करके यूट्यूब पर आए हो। तो देखिए, प्लेसेंटा एंटीरियर मतलब होता है आगे की ओर, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की ओर। अब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो देखिए, फर्स्ट जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरा जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो था पोस्टीरियर। तो उस टाइम पे क्या है कि बच्चा आगे की ओर होता है और प्लेसेंटा आपका पीछे की ओर होता है, और प्लेसेंटा कभी भी एक पोजीशन में नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है, सबके केस में नहीं होता, कईयों के केस में होता है, जैसे बच्चा मूवमेंट करता है, जैसे बड़ा हुआ बच्चा सेकंड ट्रिमेस्टर जब स्टार्ट होता है, पांचवा छठा महीना जब स्टार्ट होता है, तो प्लेसेंटा जब बच्चा मूवमेंट करता है तो प्लेसेंटा भी कई बार अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। कई केस में, सबके केस में नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन भी चेंज होती है। मेरे केस में ये मेरे साथ बिल्कुल सटीक हुआ है कि मेरा जब बड़ा बेटा प्रेग्नेंट थी, बड़ा बेटा मेरे पेट में था, तो सेकंड जब मेरा स्कैन हुआ ना सातवें महीने में, तो प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो गई। फर्स्ट टाइम में मेरा जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो पोस्टेरियल आई थी, और जब स्कैन कराया फिर एंटीरियल आया, फिर जब थर्ड स्कैन हुआ फिर से वो पोस्टेरियल हो गया। तो ऐसा बोला जाता है अगर पोस्टीरियर होता है प्लेसेंटा तो आपको बेबी बॉय होता है, अगर एंटीरियर होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंटीरियर मतलब कि बेबी आपका पीछे की ओर होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो आगे की ओर होगा।
ठीक है। अब कई केस में क्या होता है, प्लेसेंटा जो यूट्रस के पूरे मुंह के ऊपर होता है, जिसे बोला जाता है लो लिंग प्लेसेंटा आता है, तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की होती है। डॉक्टर पूरा बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, कोई ज्यादा झुकने वाला काम नहीं करना होता, ज्यादा देर खड़े रहना, ज्यादा चलना, कोई आपने जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाना ट्रेवलिंग के लिए मना किया जाता है। तो काफी मतलब रिस्की प्रेगनेंसी होती है अगर लो लिंग प्लेसेंटा आ जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया अगर आ जाता है, तब भी आपको पूरा डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर मैंने आपको समझा दिया, एंटीरियर मतलब आगे की और पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। अब मैं, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था कि पोस्टीरियर था, सेकंड में मेरी तीनों ही स्कैन के टाइम पे एंटीरियर ही प्लेसेंटा की पोजीशन थी छोटे बेटे के टाइम पे, और सब मुझे बोलते थे तेरे देखियो बेबी गर्ल होगी, और मैं ये खुद चाहती थी कि हाँ बेबी गर्ल हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। बट ऐसा देखिए किसी भी किताब में नहीं लिखा साइंस में कि प्लेसेंटा की पोजीशन अगर एंटीरियर है तो लड़की होगी, पोस्टीरियर है तो लड़का होगा। ये हमारे ही बनाए हुए मिथ्स हैं, जो कि एक महिला के साथ अगर सटीक होता है वो दूसरी महिला को बताती है, दूसरी महिला के साथ सटीक होगा वो तीसरी को बताएगी। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ, है ना। अब कई बार ऐसा होता है मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैच कर जाता है तो आप मेरी बात पर ट्रस्ट करोगे, है ना। जब मैच नहीं होता तो आप भी मुझे 10 गाले निकाल के चले जाओगे, आप भी ट्रस्ट नहीं करोगे कि, तो फैक है प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी कि कोई भी नहीं जान पाता कि लड़का होगा या लड़की होगी। सिर्फ हम सिम्टम्स के ऊपर बोल देते हैं, मीठा है तो मीठा खाते हो तो लड़की है, तीखा खा रहे हो लड़का है, ज्यादा सोते हो तो लड़का है। ये पहले के जो बुजुर्ग होते थे ना वो ये चीजें ज्यादा मानते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्कैन वैन नहीं होते थे, सिर्फ बहु बेटियों के चलने फिरने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, इन चीजों पे ही मतलब कॉम्प्लीमेंट करते थे कि ये है तो लड़का है, अगर ऐसा है तो लड़की है, तो ये सब होते थे। आज के टाइम पर भी लेकिन बहुत सारे मिथ्स घरों में होते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो लड़का है। प्लेसेंटा को लेके बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स है प्लेसेंटा को लेके, तो मैंने सोचा आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं क्लियर करूंगी कि प्लेसेंटा जेंडर रिवील नहीं करता, प्लेसेंटा सिर्फ बच्चे को पालता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वैसे ही प्लेसेंटा की भी अपने आप डिलीवरी हो अपने आप ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, और बच्चा जब तक पेट में रहता है तब तक प्लेसेंटा भी रहता है। जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है 9वें महीने के बाद, उसके 5-6 मिनट के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, उसका भी काम खत्म हो जाता है। तो प्लेसेंटा का मोस्ट रोल क्या है, बच्चे को जीवित रखना, बच्चे का विकास करना। जब हेल्दी न्यूट्रिशन प्लेसेंटा बच्चे को देगा तभी तो वो जीवित रहेगा। तो इसमें लड़का या लड़की हम नहीं जान सकते, जो भी आप वीडियोस को देखते हो प्लेसेंटा अगर वो बोलते हैं कि हाँ लड़का होगा या लड़की, तो वो सिर्फ एक मिथ होगा। 110% कहीं पर भी नहीं लिखा, किसी भी स्कैन में कहीं पर भी ये चीजें नहीं लिखी। मैं आपसे वीडियोस में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो सच होता है वही बताती हूँ, ठीक है। देखिए मेरे दोनों ही बेबी बॉय हैं, और दोनों ही जो स्कैन की रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फर्स्ट बेबी के टाइम पे पोस्टीरियर था, छोटे बेबी के टाइम पे एंटीरियर था, बट जेंडर तो सेम है ना। तो ये मैं चीज इसलिए कह रही हूँ कि हर एक बच्चा, चाहे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेकंड हो या थर्ड हो, हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी रिपोर्ट्स अलग आएंगे, आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम अलग हो जाएंगे, चाहे जेंडर सेम हो चाहे जेंडर अलग हो। तो ये सिर्फ हमारा एक कहते हैं ना माइंडसेट है, जो माइंडसेट बन जाता है वो रहता है। बाकी प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना कि इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है जानने की कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है ना वैसे वैसे क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि हाँ हम शॉपिंग कर ले, बेबी बॉय की करें शॉपिंग या बेबी गर्ल की करें, रूम डेकोरेट कराना है भाई कैसे कराएं, बेबी गर्ल के लिए कराएं बेबी बॉय के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ी डेकोरेट करनी है, आजकल तो बहुत सारी फैशन आ गई है, तो मन में ना क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही चीज मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बाकी मैंने अपने स्कैन की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी है, वहां पे प्लेसेंटा के बारे में पूरा डिटेल में बात करी है कि प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है मेरी बेबी की, मैंने दोनों ही दिखाई है और दोनों ही रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा, अगर मेरे चैनल पे पहले से हो आप तो आपने देखा होगा, बाकी नए हो तो प्लीज वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको डॉक्यूमेंटेड देख सकते हो कि बिल्कुल अलग रिपोर्ट है, बिल्कुल डिफरेंट रिपोर्ट है। तो यानी कि प्लेसेंटा कोई भी जेंडर रिवील नहीं करता कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, ये सिर्फ आपको जब डिलीवरी होगी तभी पता लगेगा कि आपके क्या हुआ है, लड़का या लड़की। बाकी देखिए जो भी भगवान देता है उसको स्वीकार करो, अच्छे संस्कार दो, यही माँ बाप का फर्ज होना चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।